झूठ बोला आपने। ये मेमोरी लॉस, ये बीमार होना, सब सब नाटक था। आपको तो सब कुछ याद है, और ये कि मेमोरी लॉस का नाटक कर रहे थे, हमारे इमोशंस के साथ खेल खेल रहे थे। हाउ डेयर यू। चीकू मुझे बात कर। डोंट समझते क्या आप अपने आप को? क्या लगा आपको कि नाटक करके ये मेमोरी लॉस और ये सब मेरी मॉम की जिंदगी में वापस आ जाएंगे, परेशान कर लेंगे उन्हें, उनके पुराने जख्म वापस ले आएंगे? क्या लगा आपको हमारी सिंपैथी मिल जाएगी, तुम्हारे घर में एंटर करने को मिल जाएगा? हाँ, कम ऑन रोशनी, बी फेयर, एक बार सुन तो लोगों क्या कहना चाहते हैं। क्या सुनो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ, तुमने मुझसे बोला था कि हमें इनकी मदद करनी चाहिए, ये आदमी बीमार है। कोई बीमार नहीं है सिद्धार्थ, साध्वी ने इतना बड़ा झूठ बोला, इसको सब कुछ याद है। ये आदमी फिर से मेरी मॉम को परेशान करना चाहता है। तुम्हें सुनना होगा वो क्या कहना चाहते हैं। रियली सिद्धार्थ, क्यों सुनूं मैं इनकी बात? और तुम क्यों ने इतना सपोर्ट करे तुम्हारे क्या? तुम भी तो इनके साथ इन्वॉल्व नहीं? रहने दो सुधार, रोशनी ठीक ही कहती है, मुझे यहां से चले ही जाना। आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे अंकल। क्या जानना चाहती हो, मैं इन्वॉल्व था कि नहीं? हाँ था, आई वॉज इन्वॉल्व। ये जो भी प्लान है वो मैंने बनाया है, इनफैक्ट ये सारी की सारी प्लानिंग मैंने करी थी। इसलिए अगर तुम्हें बात करनी है तो मुझसे करो, अंकल को ब्लेम करने की जरूरत है। तुम्हें पता था सिद्धार्थ, ये सारा सारा नाटक तुम सब जानते थे। देखो रोशनी, मेरी बात सुनो। Enough. रोशनी, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो यार, मुझे एक बार मेरी बात रखने का मौका तो दो, जस्ट लेट मी एक्सप्लेन। क्या मौका दूं सिद्धार्थ, क्या एक्सप्लेन करना चाहते हो? क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? इस आदमी के साथ मिलके तुम इतना बड़ा नाटक खेलते रहो, और तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो कि मैं? सिद्धार्थ, तुम इस आदमी से कब मिले? तुमने क्यों खेला इतना बड़ा नाटक और इसको भी क्यों खेलने दिया? मेरी और मेरी मॉम की लाइफ में कम प्रॉब्लम से तुमने मैटर्स को और कॉम्प्लिकेट कर दिया। मैंने कुछ कॉम्प्लिकेट नहीं किया है रोशनी, देयर इज नथिंग दैट्स कॉम्प्लिकेटेड, तुम चीजें और कॉम्प्लिकेट कर रही हो। मैं तुम्हारी मॉम को दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि उनकी जिंदगी में जो नहीं रहा है उनको फिर से मिले वो चीजें जो वो डिजर्व करती है। सिद्धार्थ, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे सिर्फ ये जानना तुम्हें साध्वी को कहाँ मिले, कब किया तुमने, सब मैं जानना चाहती हूँ सिद्धार्थ। सच सुनना चाहती हो तुम तो सुनो, जिस दिन हमारा डिवोर्स हुआ उस रात में मैं बहुत दुखी था, अकेला अपनी गाड़ी में बैठा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये सब क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे। अरे क्या हो गया आपको? वो मेरे पीछे पड़े मार देंगे मुझे। नहीं कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, संभाल के संभाल, आइए बैठिए जल्दी। आ जल्दी आ। एक आदमी इधर से भागा है, देखा क्या उसको? बुड्ढा सा। हाँ हाँ, बुड्ढा सा आदमी था ना। हाँ हाँ, भागा है ना वो, उधर भागा है, बहुत तेज भागा है। अरे मुझे क्या देख रहा है, उसको ढूंढो, आओ उसको छोड़ना नहीं आज, आओ।
डॉक्टर। आइए। थैंक यू, थैंक यू। इट्स ओके। सुनिए, ओह आपका बटुआ। थैंक यू ससुर जी। सुनिए असलियत मेरे सामने थी। एक ऐसा इंसान मेरे सामने था जो अपनी हर गलती की माफी मांगना चाहता था, रहशत करना चाहता था, अपने परिवार के साथ अपनी जिंदगी फिर से शुरू करना चाहता था, लेकिन उसके पास मौका नहीं था, कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भटक रहा था। रोशनी, मैं जानता हूं कि सासू मां ने बहुत कुछ देखा है अपनी जिंदगी, बहुत कुछ सहा है। अपनी बेटी से ये कहना कि उसके जिंदा बाप की मौत हो चुकी है, क्या गुजरा होगा उनके दिल पे, मैं सोच भी नहीं सकता। जब दो लोगों के बीच में मसले होते हैं तो दोनों इंतजार करते हैं कि कौन पहल करेगा, कौन पहला कदम उठाएगा, कौन वो ठोकर मारेगा उस दीवार पे जो दो लोगों के बीच में आ चुकी है। और जब मैंने तुम्हारे पापा को देखा तो मुझे ये लगा कि वो पहल करना चाहते हैं। मैं जानता था कि आसान नहीं होगा, इतने सालों की कड़वाहट, दर्द, मलाल, जहर सब कुछ बीच में आएगा। एक बार जहर साफ हो जाता है तो मन साफ हो जाता है रोशनी। इसलिए तुम झूठ बोलकर इस आदमी को हमारे घर में लेकर आए। अच्छे रिश्ते निभाए तुमने सिद्धार्थ। क्या करता मैं रोशनी, अगर मैं तुम्हारे डैड को लेकर तुम्हारे घर जाता तो क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी मॉम इन्हें गले लगा लेती प्यार से, इन्हें एक्सेप्ट कर लेती आसानी से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, उन्हें कभी एक्सेप्ट नहीं करती। रोशनी जरा देखो इन्हें, तुम्हारे डैड हैं ये और सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। रोशनी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि इन्हें दूसरा मौका मिलना चाहिए? नहीं, नहीं मिलना चाहिए। इतने सालों तक कभी जानने की कोशिश की कि हम जिंदा है कि मर गए, और तुम सेकंड चांस की बात करो सिद्धार्थ। तुम अगर इस लाइफ में सेकंड चांस होता ना तो आज तुमने मुझे दिया होता, पर तुमने क्या किया, छोड़ दिया ना मुझे। तो तुम किस हैसियत से दूसरे चांस की बात कर रहे हो? एक दोस्त की हैसियत से। मैं मानता हूं कि हमारे बीच में सारे रिश्ते खत्म हो चुके हैं, लेकिन रोशनी जरा सोचो, एक पति पत्नी का रिश्ता ना होने के बावजूद भी हम एक दूसरे से अलग नहीं हो पा रहे हैं। जानती हो क्यों? क्योंकि हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, और इतने गहरे रिश्ते इतनी आसानी से नहीं टूटते। बिल्कुल वैसे जैसे एक बाप और बेटी का रिश्ता इतना गहरा होता है कि कोई भी हालात कितना भी वक्त उसे तोड़ नहीं सकता। रोशनी, अपने दिल पर हाथ रखकर कहो, क्या तुम अपने डैड को अपनी जिंदगी में वापस नहीं लाना चाहते? इस वक्त मेरी प्रायोरिटी मेरी मॉम, इस वक्त तुम्हें प्यार और अपनेपन की जरूरत है। वो ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है सिद्धार्थ। वही तो मैं कह रहा हूँ रोशनी, कि तुम्हारी मॉम ऑलरेडी बहुत सफर कर चुकी है। इस प्यार और जिस अपनेपन की बात तुम कर रही हो वो सिर्फ एक इंसान उन्हें दे सकता है, तुम्हारे पिता। उन जख्मों को कौन भर सकता है, कौन लगा सकता है उन पे मरहम? एक ही इंसान है रोशनी। तुम्हारी मॉम को भी अपनी जिंदगी में अपने दोस्त की, अपने प्यार की, अपने पति की जरूरत है। अगर उन्हें एक मौका मिल जाए तो वो भी ये चाहेंगे कि ये उनकी जिंदगी में वापस चले आए, लेकिन ये एक मौका उन्हें खुद को देना होगा रोशनी। बेटा रोशनी, मैं जानता हूं मैंने अपने सारे अधिकार खो दिए हैं, लेकिन सच कहूं तो हर वो लम्हा जब मैं तुम सबसे दूर था मुझे सिर्फ तुम्हारी याद आई चीख, तुम्हारी मां को, अपनी दुर्गा को, अपने परिवार को। मैंने कई बार सोचा कि वापस चला जाऊं,
लेकिन हिम्मत भी नहीं हुई। लेकिन शायद मेरे असूल, मेरा अहंकार मुझे मुझे रोके रहा। तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं तुम लोगों को अभी तक भुला नहीं पाया। चीकू, रोशनी, जरा एक मिनट रुको। चीकू, जब तुम बहुत छोटी सी थी ना, तो आसमान में सितारों को ढूंढा करती थी और फिर उन्हें उन्हें ऐसे पकड़ के छूने की कोशिश किया करती थी, और जब वो दिखाई नहीं देते थे ना, बहुत रोया करती थी। और तब तुम अपने इन तारों को देखकर बहुत खुश होती थी। चीकू, मैं ऐसे हजारों सितारे तुम्हें देना चाहता हूं। चीकू, वो गाना याद है तुम्हें? तुम्हें बहुत पसंद था। हाँ, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू, हाँ मेरी आंखों का तारा है तू, जीता हूं मैं बस तेरे लिए, इस टूटे दिल। देखो अपने पिता को रोशनी, जस्ट लुक एट हिम, वो एक मौका डिजर्व करते हैं रोशनी, वन चांस। बात सिर्फ मेरी होती तो मैं शायद एक मौका दे देती सिद्धार्थ, पर या मेरे मॉम के इमोशंस में जुड़े हुए। पर फिलहाल तो उनसे जो झूठ मैंने बोला है, मैं उन्हें सच बताने जा रही हूं कि वो तुम्हारे होटल में नहीं है। हम दोनों ने मिलके जो झूठ बोला है ना सिद्धार्थ, मैं अपने बाप को बताऊंगी। नहीं रोशनी, रोशनी, तुम ये नहीं कर सकती। यू कांट डू दिस। तुम अपने पिता को दूसरा मौका नहीं देना चाहती ना सही। मुझे एक मौका दे दो, जस्ट वन चांस, एक दिन, सिर्फ एक दिन। मैं साबित कर दूंगा कि तुम्हारी मॉम आज भी तुम्हारे डैड को मिस करती हैं, उनकी परवाह करती हैं, उनकी केयर करती हैं, आज भी कहीं ना कहीं चाहती हैं कि उनका पति उनकी जिंदगी में वापस चला है। सिर्फ एक दिन, कम ऑन रोशनी, एक दिन में कोई दुनिया नहीं बदलेगी। एक दिन सिद्धार्थ, सिर्फ एक दिन। मैं जानती हूं तुम कुछ प्रूव नहीं कर पाओगे, कर लो कोशिश, सिर्फ एक दिन। एक दिन बहुत है रोशनी, अब तुम देखना मैं तुम्हारे परिवार को एक करने के लिए क्या करता हूं। क्या दिक्कत है आपको? What's the problem? अरे काम कर रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या है? काम का काम हो रहा है, साथ में उनका मन लगा हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को उनके काम करने से इतनी प्रॉब्लम है, तो रख लीजिए उनको अपने पास, मैंने कहा रोका है। सिद्धार्थ, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे? अरे कुछ नहीं हुआ यार, जो होगा वो सीधा गोद में आएगा, वो छोड़ो। तो ये कह रहा हूँ कि डैड ने तुम्हारे डैड को कुछ काम दिया होटल में करने के लिए, ये सोच के कि काम का काम हो जाएगा, उनका मन भी लगा रहेगा, लेकिन अंकल के काम करने से आंटी को प्रॉब्लम है। अब तुझे क्या प्रॉब्लम है दुर्गा? हाँ, जो उसे करना है करने दे। मॉम आप भी एग्जैक्टली
दिस इज द एटीट्यूड ऑफ लाइफ लिविंग दैट आई रिक्वायर इन यू. मेरी नानी माँ कहीं खो गई थी, आज मुझे जाके मिली. आई लव यू. तू ना, मैं ना तेरे साथ बात ही नहीं करती. कोई नहीं, आपके हिस्से की बातें मैं आपसे कर लूंगा. चल दुर्गा. आई लव यू टू नानी माँ. देखा कितनी तकलीफ कितनी परेशानी है तुम्हारी मॉम की आंखों में तुम्हारे डैड के लिए. यू जस्ट वेट एंड वॉच रोशनी. मैं यह साबित कर दूंगा कि तुम्हारी मॉम आज भी तुम्हारे डैड की परवाह करती है. शी स्टिल लव्स हिम. व्हाट द हेल यार. बेटी, उसकी माँ, नानी माँ, तीनों एक ही कैटेगरी के हैं. जिन गर्मा गर्म नजरों से मुझे देखते रहते हैं ना, मुझे SPF 70 प्लस का सनस्क्रीन लगा के इस घर में आना पड़ेगा, वरना मैं खुद झुलस जाऊंगा. क्या हो गया यार, इस घर के मरोस एनवायरनमेंट में मेरे सेंस ऑफ ह्यूमर का सेंस ऑफ ह्यूमर बन गया है. पहले तो सिर्फ लोग इग्नोर करते थे, अब तो रो देते हैं. क्यों आए हो तुम यहाँ? इतने साल तुम्हारा इंतजार किया. हमेशा लगता था कि तुम लौट आ गए. इतनी जरूरत थी हमें तुम्हारी. प्लीज वापस चले जाओ. आई डोंट नीड यू. आदत पड़ गई तुम्हारे बिना रहने की. प्लीज जस्ट लीव. जस्ट लीव प्लीज. अच्छा तुमने आज काम से जल्दी ऑफ ले लिया. मेरे साथ वक्त तो बिता पाओगे क्या? या लेमन टी? थैंक यू. पर्स है? नहीं नहीं प्लीज. हाँ परे मार क्या हो रहा है? चलो ना बेटा. अब रुक जाए मैडम, आप अंदर नहीं आ सकते. परे हट. हैं ऊतवंग खड़ा हो. चल इधर. हाँ ठीक है ठीक है, तुम जाओ. नमस्ते बेटी. समधन जी. हाय मेरी पत्नी, कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. पीछे आप? मैं भी ठीक ठाक हूँ. जी कुछ काम से आए थे? हाय हाय सियापा है. मैं इतनी इमोशन जब बह ही गई. हाय रुपा है, मैं भूल ही गई कि मैं आई क्यों थी. याद आया, याद आया. मेरा बिट्टू है ना, बिट्टू. और बिट्टू और सिमी की वो शादी के बाद क्या होती है, मैरिज इन नर्सरी है ना, वो है. तो मैंने सोचा कि उनको कोई गिफ्ट दिया जाए. तो आपसे अच्छा कौन होगी दुकान जहाँ से मुझे मिलेगा? मैंने सोचा आपसे ही ले लूं. एक तो हमारी आपकी रिश्तेदारी है, फिर बिना बोले ही ना आप मुझे डिस्काउंट भी दे दोगे. क्यों दे दोगे ना? हाँ जी बिल्कुल. मेरे पास ना कुछ नए डिजाइन आए हैं अभी अभी, आप वो देख लो, नहीं तो और दिखा देती हूँ मैं आपको. हाँ पकड़ना जरा. ये बिल्कुल लाउड पंजाबी ना. डिवोर्स हो गया लेकिन डिस्काउंट है ना अभी मुझे. हाँ डिस्काउंट तो चाहिए. हाँ बिल्कुल डिस्काउंट चाहिए भाई. पैदा की रिश्तेदारी का एक डिस्काउंट ना मिले तो. ये लीजिए. भाई सोना है. अभी आए हैं ये डिजाइन. अच्छा ऐसे इस डिजाइन का मेरे पास है. कोई ऐसा वाला दिखाओ ना जो वो हाथ पे बांधते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रेलेट. हाँ है ना वो. सेट तो बतेरे हैं सिमी के पास भी. हाँ ऐसा ऐसा ब्रेलेट चाहिए मुझे. सोच समझ के बता दो कितने का हुआ. हाँ एक मिनट तो आप मुझे. देखो डिस्काउंट. हाँ हाँ डिस्काउंट ही बीजी. डिस्काउंट के साथ हा? हाँ. ये 2 लाख का है. 2 लाख का? कोई बात नहीं दे देते हैं बीजी. आपको फिर नहीं नहीं मैं बटुआ कितने बोल रही रोशनी. अच्छा कोई बात नहीं ना, आप नहीं, इसको नहीं, ले जाओ बाद में भिजवा देना पैसे. में रह गया होगा गड्डी में, रह गया होगा. ड्राइवर को फोन कर देती हूँ मैं, ले आएगा वो. हेलो हाँ मुंडू, अब मेरी गाड़ी में ना वो मेरा बटुआ रह गया. हाँ पैसे लेके आ जाओ उसको जल्दी जल्दी. हाँ आ जा शाबाश. वैसे बीजी कोई टेंशन नहीं, आप ये ले जाइए, पैसे बाद में भिजवा दीजिए ना. ना ना है, अपनी रिश्तेदारी भी है, पैसे देंगे तो सामान लेंगे है ना. अच्छा नहीं लगता ऐसे. आ जाएगा अभी. कुछ मंगवाऊ आपके लिए कुछ पियेंगे? कोई बात नहीं. कम इन. आज आज मेरा नवा डिलीवर